Hi guys, welcome back to my channel Your Video. So friends, today's video is a review video and this video is very very highly requested on my channel. आप लोग का almost daily एक comment आता है मुझे ये video करने के लिए. So in today's video, I am going to review about these GD Coco 36 shades gel polishes which I bought from Amazon. ये मैंने अपने एक नेल हॉल में दिखाया था एंड तब से लेके आज तक इट्स बीन 1 or 2 months आई गेस. तब से लेके आज तक आप लोग मेरे को बोलते हो मैम प्लीज ये 36 शेड जेल पॉलिशेस का आप रिव्यू करिए. वेल गाइज, रिव्यू मैं आज कर रही हूँ इस इन 36 शेड जेल पॉलिशेस का, बट दिस प्रोडक्ट इज करेंटली अनअवेलेबल. इट इज नॉट इन स्टॉक, इट इज आउट ऑफ स्टॉक. जब मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया था आई थिंक उसके विद इन 2 weeks ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था एंड आई वॉज हैविंग अ आई ऑन इट, बट ये अभी तक भी स्टॉक में नहीं आया है. दिस वॉज द ओनली रीजन कि मैं इसका रिव्यू नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज मैं रिव्यू कर दूँ और प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं हो, सो व्हाट्स द यूज ऑफ इट. बट स्टिल आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, मे बी इन फ्यूचर दिस प्रोडक्ट विल कम इन स्टॉक. उस टाइम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस प्रोडक्ट का रिव्यू. सो इसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ऑल दीज जेल पॉलिशेस आर एज आई टोल्ड यू आउट ऑफ स्टॉक, बट एग्जैक्ट सेम एक और जेल पॉलिश का सेट अवेलेबल है अमेजोन पर विच इज फ्रॉम द ब्रांड शेल्स आई गेस, बट उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है. इट कम्स इन अराउंड 2200 समथिंग एंड ये वाला जो सेट था वो आया था 1313 रुपीज में. सो विदाउट एनी फर्दर अडियो हम ये वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले Please don't forget to subscribe to my channel. Do follow me on my Instagram. My Instagram handle is Yashika Gautam and Your Beauty Room. And आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा. सो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइज, एज यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर है टोटल 36 शेड्स ऑफ दिस जेल पॉलिश. ये इस तरीके के पैकेट में आता है, इसका अनबॉक्सिंग में डाल चुकी हूँ. एंड आप अगर हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग, इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरीके के स्मॉल पॉट में ये जेल पॉलिश आती हैं विच आई डोंट लाइक. अगर ये एक जेल पॉलिश जिसके साथ एक एप्लीकेटर आता है उसके साथ अगर आती तो बहुत अच्छा रहता, बट एनी वेज इसके ऊपर इस तरीके की प्लास्टिक की एक कवरिंग लगी हुई होती है जो आपको कट करनी होती है. एंड यू कैन सी कि ये स्पिल हो चुकी है, आप इसको कितना भी सेफ्टी से रखेंगे वो स्पिल होगा ही होगा. मैंने इसका एक छोटा सा कॉर्नर कट किया है, आपको इसकी पूरी सील नहीं हटानी क्योंकि अगर आपने पूरी सील हटा दी तो ये बहुत ज़्यादा स्पिल होगा. जब आपको प्रोडक्ट निकालना है आपको सील को थोड़ा सा कट करना है और वहीं से फिर आपको प्रोडक्ट एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से निकाल के अप्लाई करना है. 5 ml की क्वान्टिटी में ये जेल पॉलिशेज आती हैं. अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको रखना कैसे है. अगर आप इसको स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे तभी ये सेफ़ रहेंगे. अगर ये आपने इसको सीधा लाइक इस तरीके से टिल्ट करके रखा या उल्टा हो गया ये डब्बी तो भी वो स्पिल होगी. अगर हम इस छोटे से पॉट की बात करते हैं तो उसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जीडी कोको मेंशन है, कलर जेल एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कैनी आउटपुट नेल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर, यानी कि शायद इस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो हैं कैनी ब्रांड. कैनी ब्रांड मैंने कभी नहीं सुनी है, बट फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी कि वहाँ पर उन लोगों के पास कैनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स कैनी के प्रोडक्ट्स रखते हैं. सो मे बी दे आर दिस ब्रांड इज़ अ नेल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड, नेल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड. सो इस पर इसका नंबर भी मेंशन है, आप देखेंगे यहाँ पर 123 लिखा है एंड जो उसका शेड है विच इज़ ग्रीन, और यही इसके ऊपर ग्रीन कलर से इन लोगों ने एक स्वॉच काइंड ऑफ दिया हुआ है इसका. सो इट्स वेरी ईजी कि कौन सा कलर है, ये जानना बहुत आसान है. आप अगर नंबर से भी नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप सिर्फ इसके कैप के ऊपर देखेंगे और आपको सेम शेड दिख जाएगा. अब हमें इसको अप्लाई करना है. नाउ आई विल शो यू कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब इसकी पिगमेंटेशन क्या है. काफ़ी थिक है ये, इसका टेक्स्चर बहुत थिक है, सो पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और कलर बहुत अच्छे से आता है. विद इन 2 coats काम हो जाता है आपका. कुछ कुछ शेड्स हैं जिनमें 3 coats भी लगाने पड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द शेड्स में हमको सिर्फ 2 coats में ही प्रॉपर पिगमेंटेशन आ जाता है. राइट, सो मैंने यहाँ पर एक फ्लैट ब्रश लिया है, इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही आपको इसको अप्लाई करना होता है. एंड बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ
जेल पेंट, जो हम पेंटिंग जेल आते हैं अलग से हमको लेने पड़ते हैं, वो नो उसकी जगह पर भी आप पे एज अ पेंटिंग जेल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल इसको एज अ पेंटिंग जेल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो ये शेड्स हैं टू बी वेरी फ्रैंक मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नो डार्क शेड्स हैं। एंड आजकल बहुत ही कम लोग डार्क शेड्स लगवाते हैं, बहुत ही कम लोग चूज़ करते हैं डार्क शेड्स। तो मैं मोस्टली इससे कुछ ना कुछ अगर हमको ड्रॉ करना है या फिर कुछ आपको पेंटिंग कुछ करना है, नेल्स पर कुछ ड्रॉ करना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। और समटाइम्स मैं कुछ शेड्स को मिक्स कर कर भी इसको अप्लाई करती हूँ, बट एज इट इज़ जो शेड्स हैं वो कुछ खास नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। इवन 36 शेड्स हैं उसमें, हार्डली आप जो डीप शेड्स अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये डीप शेड्स सारे अवेलेबल हैं, बट कोई भी न्यूड शेड इसमें अवेलेबल नहीं है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि इसका कैसा पिगमेंटेशन है। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट कोट लगा रही हूँ इसका। फर्स्ट कोट आपको लेना है, थोड़ा थिन लेना है, बट बिकॉज ये इतना थिक है इसका कंसिस्टेंसी तो बहुत थिन नहीं आ पाता है, ठीक है। आपने मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट कोट लगाया है एंड फर्स्ट कोट लगाकर मैं इसको क्योर करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछते हैं कि मैम आप क्योर नहीं करते क्या, क्या ये ऐसे ही ड्राई हो जाता है? डियर, जेल का कोई भी प्रोडक्ट बिना क्योरिंग के ड्राई नहीं होता है। मैं हमेशा मेंशन करती ही हूँ कि नाउ यू हैव टू क्योर इट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए आपको लैम्प के अंदर क्योरिंग करनी ही है हर जेल प्रोडक्ट की, चाहे वो जेल पॉलिश हो, पॉली जेल हो, जेल हो, बिल्डर जेल है, कोई भी। अगर हम जेल पॉलिश के साथ, परमानेंट नेल एक्सटेंशंस के साथ काम कर रहे हैं तो हमको उसको क्योर करना ही होगा। ग्लू को क्योर नहीं करना होता है, ग्लू ऐसे ही एयर ड्राई हो जाता है, बट कोई भी जेल का प्रोडक्ट है उसको हमें लैम्प में क्योर करना ही होता है। सो मैं इसको क्योर करूँगी 1 मिनट के लिए। मैं लैम्प दिखाती नहीं हूँ ऑन कैमरा, बट मैं आपको बोल देती हूँ कि आपको इसको क्योर करना है फॉर 1 गुड मिनट। सो इसको क्योर करने के बाद यहाँ पे सेकेंड कोट भी लगा लिया है मैंने, एंड दिस इज़ द फाइनल। इसका पिगमेंटेशन इतना डार्क है, इतना डीप है, अच्छा है। अगर आपको डार्क शेड्स पसंद हैं, डीप शेड्स पसंद हैं, देन यू कैन बाय इट। और अगर आप प्रेस ऑन्स का काम करते हैं, फेक नेल्स पर काम करते हैं, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट, बट उसमें भी आपको सिर्फ डार्क शेड के प्रेस ऑन से बनाने होंगे। नाउ आई विल टॉक अबाउट इट्स स्टे। अगर आप लोग मेरे नेल्स देखेंगे तो मैंने अपने नेल्स पर इसी ब्रांड के, यही जी डी कोको ब्रांड के जेल पॉलिश को लगाया, बट आई हैव मिक्स्ड 2 शेड्स इन इट। सो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इसको नेचुरल नेल्स पर लगाएंगे, एज अ नेचुरल नेल पे अगर आप जेल पॉलिश का एप्लीकेशन करेंगे, तो इसका स्टे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, 2-3 डेज से ज़्यादा नहीं रुकता है। मैंने ट्राई किया हुआ है अपने हैंड्स पे, क्लाइंट्स के हैंड्स पे, नहीं रुकता 3 डेज से ज़्यादा। बट अगर आप इसको परमानेंट एक्सटेंशंस पर लगाते हैं तो उसका स्टे अच्छा है। मेरे को 3 वीक्स होने वाला है नेल्स पे, एंड आई हैव मिक्स्ड 2 शेड्स, और अभी तक है कहीं से चिप ऑफ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू गाइस कि अगर आप एज अ बिगनर हो तो आप ये किट ले सकते हो। आप इसको हमेशा परमानेंट एक्सटेंशंस के ऊपर ही यूज़ करें, नेचुरल नेल्स पे इसको नहीं यूज़ करना है आपको, राइट। वैसे दीज आर ऑल द शेड्स जो देख सकते हो आप, मैंने अपने डिस्प्ले प्लेट पर मैंने इनका स्वाचेस किया हुआ है ऑलरेडी, बट दे आर वेरी डार्क शेड्स। अगर आपको ये शेड्स पसंद हैं, आपको लगता है किसी काम आ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं और ले सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जेल पॉलिशेस के रिव्यू के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली गिव मी अ बिग थम्स अप, और कोई भी वीडियो आप मुझसे चाहते हैं रिव्यू करने के लिए तो डेफिनेटली लेट मी नो। अमेजोन के बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज कर रही हूँ, टेस्टिंग कर रही हूँ, और जो भी अब मुझको अच्छा लगेगा वो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। सो फाइनली मेरा यही मानना है कि आप इसको परमानेंट एक्सटेंशन पर यूज़ करें, नेचुरल नेल्स पर नहीं यूज़ करें। एज अ बिगनर आप डेफिनेटली ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।